मॉम्स टॉर्चर। ये दिन वो दिन था जब रोहन बेबी के पापा को ऑफिस के काम से सप्ताह भर घर से बाहर जाना था। रोहन बेबी, मम्मा का ख्याल रखना और मम्मा का बात मानना, ठीक है? ये कुछ पैसे ले लो, कुछ खा लेना, और दादी भी तुम्हें कंपनी देने आ रही है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। रोहन और बेबी की मम्मा उन्हें बुलाती है सुबह सुबह। रोहन बेबी, जल्दी उठो। अरे मम्मी, आप ही तो मैनर्स कर लो ना। पापा जब होते थे वो भी तो मैनर्स कर देते थे। मैं पापा नहीं हूँ, मैं मम्मी हूँ। जल्दी उठो, स्कूल जाना है। रेडियो। उन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है और वो दोनों रेडियो ने चले जाते हैं। फिर रोहन और बेबी तैयार होके आते हैं। जब पापा होते थे वो तो हमारा बैग लेकर गाड़ी में रख देते थे। आप बहुत भूले हो। ठीक बोला बेबी ने। मैं तुमको कितनी बार बता, मैं तुम्हारे पापा नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मम्मी की बात सुना करो तुम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, तुमको ज्यादा ही डांट रही हो उन्हें। बच्चों को इतना डांट नहीं चाहिए। मम्मी ने आपकी लाड बैग को बिगाड़ दिया है, अब कितना बिगड़ेंगे। मम्मी की बात कुछ नहीं सुनते मेरी बात। फिर वो लोग जाके चुपचाप अपना बैग पकड़ने लगते हैं। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तुम किसके साथ जाओगे? हम हल्के बाबू के साथ जाएंगे। जिसके साथ जाना है जाओ, पर मेरा सर मसर मत खाओ। फिर दोनों बच्चे गुस्से से चले जाते हैं। अरे मम्मी जी रुके, उनको मत बुलाइए। जिस तरह जाना उनको जाओ, नाक में दम करके रखो। वो बच्चे हैं। दोपहर को स्कूल छुट्टी होता है। फिर हरी आके उनसे कहता है, मेरे पापा मीटिंग पर है और मेरी मामी स्कूटी लेकर आ रहे हैं, उसमें तीन लोग जगह नहीं होंगे, इसलिए तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे मामी को फोन कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर रोहन और बेबी चल चल के अपने घर के ओर जाने लगते हैं। फिर रोहन बोलता है, हरी की मामी कितनी अच्छी है, वो सारी सीट बने आ गई। हमारी मम्मी थोड़ी हमसे प्यार करती। फिर क्या, वो दोनों चलते चलते भोला कचौरी सेंटर के सामने पहुंच गए, जो कि शहर का सबसे मशहूर कचौरी सेंटर था। फिर क्या, वो दोनों कचौरी खाने लगते हैं। फिर भोला को रोहन पैसे देता है। वहां घर में दरवाजे पर एक ठक ठक होता है और दादी जाके खोलती है। अरे अरे, दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, मम्मी, नहीं, मम्मी ने जब सुना कि तुम दोनों हरी के पापा के साथ नहीं आ रहे हो, तो मम्मी दौड़ी दौड़ी चली गई तुम दोनों को लाने के लिए स्कूल से। फिर दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगते हैं। फिर दादी दोनों बच्चों को सुला देती है। फिर शाम को बच्चे सो रहे होते हैं कि दरवाजे पर एक ठक ठक होती है और दादी फिर से जाके दरवाजा खोलती है। और ये क्या, मम्मी आ जाती है घर पे। तुम कहाँ थी इतनी देर से? अरे मैं गई स्कूल दोनों को लाने के लिए। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि वो दोनों पैदल ना चले। फिर क्या, मैं आधी रास्ते में पहुंची थी कि भोला कचौरी सेंटर दिखे और मैं वहाँ पर कचौरी खा के और बच्चों के लिए लेके भी आई हूँ। तो उसमें इतनी लंबी लाइन थी कि पूछो ही मत। फिर बच्चे उठ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागते हुए अपनी मम्मी के ओर जाते हैं और फिर मम्मी को एक हग देते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि मम्मी हमारी दुश्मन नहीं होती, वो जो भी करती है हमारे अच्छे के लिए ही करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।